हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए दही चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप खुद ही देखेंगे। मैंने बहुत ही कम ऑयल में बनाया। इसमें मैंने बस एक कप दही डाला और बहुत थोड़े थोड़े से मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं उन्हें डाला है। दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी है दोस्तों, और बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने 1/2 kg चिकन लिया था, और चिकन को मैंने 1/2 kg चिकन को मैंने 1 कप दही और 1 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पाउडर और सरसों के तेल के साथ मैंने इसे मैरिनेट करके 3 से 4 घंटा छोड़ दिया था। कम से कम आप इसे 1 घंटा तो जरूर छोड़ेंगे। और दही मेरी काफ़ी खट्टी थी, और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है स्वादानुसार। मैंने मैरिनेशन के समय नमक नहीं डाला था, साथ में ही मैंने लाल मिर्ची डाला है। देखिए, वो ऑयल मैंने बस 1 से 1.5 चम्मच छोटे चम्मच बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाला था, और मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है जिससे कि हमारा जो फ्लेवर है सो बैलेंस हो सके, क्योंकि हमने बहुत ही खट्टी दही का इस्तेमाल किया था। ये खट्टापन को बैलेंस करेगा लेकिन इसमें मिठास नहीं लाएगा। और इस तरह से मैं अभी से थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। मैंने हल्दी पाउडर भी डाल लिया है, और इसे अभी हम जब भी भूनेंगे तो फ्लेम को एकदम हाई रखेंगे। दोस्तों, मैंने 1 चम्मच और अदरक लहसुन डाल दिया है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये अदरक लहसुन के साथ। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा इसमें सोयाबीन सॉस डाला है। दोस्तों, सोयाबीन सॉस ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर लगता है एकदम। और अब मैं इसे अच्छी तरह से थोड़ा देर लगभग 10 से 12 मिनट तक मैं इसे तेज़ आंच पर ही भूनूंगी। बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से बैठने का डर रहेगा, क्योंकि उसमें हमने कोई पानी नहीं डाला है और ऑयल भी हमने बहुत कम डाला है। बस चिकन और दही के पानी से ही ये खुद ही पकेगा। दोस्तों, चूँकि हमने इतनी देर तक इसे मैरिनेट किया तो चिकन भी बहुत जल्दी पक जाएगा। इसे अच्छी तरह से मैंने चलाते रहा है। देखिए दोस्तों, अब दही का पानी लगभग सूख चुका था, और इसे भूनते हुए और चलाते हुए लगभग मैंने ढक ढक के 15 से 20 मिनट तक पका लिया था, और मेरे चिकन लगभग 80% डन हो चुके हैं। और अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 बड़ा अनियन और 1 टमाटर डाल दिया है। दोनों को मैंने थिन स्लाइस में काटा, स्लाइस में ही काट के मैंने डाला है, और अब डाल के मैं इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर चला लूँगी। साथ में ही मैंने 1 चम्मच भर करके फिर से ब्लैक पेपर डाला है। अगर आप तीखा वाला रेड चिली डाले हैं तो आप ब्लैक पेपर की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली डाला था। यहाँ पर आप चाहें तो ग्रीन चिली भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं, और इसे अब हम अच्छी तरह से देखिए मिला लेते हैं। देखिए, मेरे चिकन एकदम डन हो गए हैं, बस मैंने इसे ढक ढक के भुना था, और दही के पानी में और चिकन ने खुद भी जितना पानी रिलीज किया है उससे ही हमारे सारे चिकन पक गए। इतना अच्छा इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत ही कम तेल मसाले में केवल 1 कप घी के साथ ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है दोस्तों, और आपको खाने में किसी भी तरह का भारीपन भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। और दही तो आप जानते ही डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मैंने इसमें लगभग 1 कप पानी डाला है, मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी। मैं बस इतना पानी डालूँगी कि हमारे थोड़े और 5 से 7 मिनट तक मैं ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि हमने जितने भी मसाले डाले हैं, अनियन डाला है, वो सभी चिकन में अच्छी तरह से मिल जाए, क्योंकि हमारे चिकन लगभग डन हो चुके हैं। बस इतनी देर के लिए हमें इसे पकाना है। दोस्तों, मैंने इसे बिना ढके पकाया, आप चाहें तो ढके भी पका सकते हैं, आपकी मर्जी पर। अब देखिए, जब अच्छी तरह से बॉयल आ गया तो मैंने इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर आप चाहें तो किचन की या मीट मसाला भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है दोस्तों। बस, और हमारे चिकन बिल्कुल तैयार है। 15 से 20 मिनट मैंने स्टैंडिंग टाइम दिया है, और देखिए मैंने उसी कढ़ाई में सर्व किया, कितनी अच्छी रोगन आ गई है ऊपर में, जबकि इसमें हमने देखा, आपने देखा है कि मैंने एकदम 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अब मुझे आगे दीजिए। टिल देन, बाय बाय।